तो फिर चलिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस हफ्ते कौन सी कंटेंट्स कहां पर रिलीज़ हो रही है। इस हफ्ते मतलब स्पेशली 18th, 19th और 20th जुलाई को कौन सी कंटेंट्स कहां पर रिलीज़ हो रही है। वैसे आपको बता दूं, हर एक महीने के एंड में उसके अगले महीने में कौन सी कंटेंट्स कहां पर रिलीज़ होगी, इसका एक वीडियो हम बनाते रहते हैं। साथ ही साथ हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि उस हफ्ते कौन सी कंटेंट्स कहां पर रिलीज़ हो रही है, इसका भी एक वीडियो बनाए। क्योंकि जो महीने का वीडियो है उसके अंदर कुछ कंटेंट्स मिस हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट्स प्रीपॉन किया जाता है, कुछ कंटेंट्स पोस्टपॉन किया जाता है, किसी का नया रिलीज डेट तैयार होता है, इसीलिए हम हर हफ्ते ही ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डायरी, मैं हूं शुकेंदु। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते 19 जुलाई को बहुत सारी कंटेंट रिलीज़ की जाएगी, वेब सीरीज, फिल्म्स, बहुत सारी कंटेंट्स। लेकिन हम शुरुआत करेंगे 18th जुलाई से। 18th जुलाई को रिलीज़ हो रही है कोबरा काई सीजन 6 पार्ट 1। इस वेब सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा और सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज़ नहीं किया जाएगा, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में इसको रिलीज़ किया जाएगा। अब सीधे चलते हैं 19th जुलाई की ओर। 19 जुलाई को पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड मूवी जिसका नाम है गोट लाइफ, इसको रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स के अंदर और सारे इंडियन लैंग्वेजेस में इसको रिलीज़ किया जाएगा। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, ब्रिलियंट मूवी एंड ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन। एनीवे 19 जुलाई की सेकेंड जो फिल्म कंटेंट है वो है हॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है ISS, इसको रिलीज़ किया जाएगा जियो सिनेमा पर। अब जियो सिनेमा पर रिलीज़ किया जाएगा तो उम्मीद ये किया जा ही सकता है कि इसको हिंदी डबिंग में भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। 19th जुलाई को आ रही है कोरियन वेब सीरीज स्वीट होम की सीजन 3 और इस वेब सीरीज़ को आप देख पाएंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। 19th जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेकर आ रही है एक मलयालम मूवी जिसका नाम है नगेंद्रज हनीमून और इसी दिन को रिलीज किया जाएगा विकी कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म बैड न्यूज़ को। और इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप है सिनेफाइल्स के अंदर। इस फिल्म का गाना काफ़ी हिट हुआ है, फिल्म के अंदर फिल्म का जो ट्रेलर है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो अब देखते हैं फिल्म क्या कमाल कर पाती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। 19 जुलाई से बढ़ते हैं 20 जुलाई की ओर और 20 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा तेलुगु सिनेमा ना सामीरंगा, इसके अंदर हम लीड रोल पर देख पाएंगे नागार्जुना को और इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा YouTube पर। जी हाँ, YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा। तो यही था वो कंटेंट्स जो इस हफ्ते रिलीज़ किया जाएगा स्पेशली 18th, 19th और 20th जुलाई को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, जय सिनेमा।